जैसे कि आईफोन 15 सीरीज के लॉन्च में हमें इस बार डीले देखने के मिल सकता है। ये जो लॉन्च में आपको बोल रहा हूँ, ये इसके रिवील होने पे नहीं है, लॉन्च मींस कि ये सेलिंग के लिए कब तक अवेलेबल होगा उसमें जो है ना हमें डीले देखने के मिल सकता है। अब यहाँ पर गाइस देखिए, ज्यादातर प्रेडिक्शंस तो यही है कि सेप्टेम्बर के मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब रिवील हो जाएगा, बट सेलिंग के लिए ये अक्टूबर के मंथ में जाएगा, मतलब एक महीने का हमें डिफरेंस अभी देखने के मिल सकता है। देखिए इसके दो रीजन जो है ना वो निकल के सामने आते हैं, दो मेजर रीजन है, मैं आपको वन बाय वन जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहली चीज दोस्तों, तो इसके डिस्प्ले मैन्युफैक्चर को लेके देखिए, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आईफोन के जो डिस्प्लेज है वो तीन अलग अलग कंपनी से मैन्युफैक्चर होते हैं। यहां पर दोस्तों ज्यादातर लोगों को यही पता है कि इसके डिस्प्लेज जो है वो सिर्फ सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सैमसंग इज वन ऑफ द कंपनी, इसके साथ में एलजी भी जो है दोस्तों आईफोन के डिस्प्लेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ ही में एक टेक कंपनी है बीओई करके, जो की एक चाइनीज या कोरियन कंपनी आई थिंक सो, वहां से भी दोस्तों आईफोन के डिस्प्लेज जो है ना वो मैन्युफैक्चर होते हैं। अब यहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों वो इसके डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के शॉर्टेज में हो रही है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो ना दोस्तों हमें सारे ही डिवाइसेस में डायनेमिक आइलैंड देखने मिलेगा। अब डायनेमिक आइलैंड के साथ में ऑब्वियसली वो क्वालिटी का डिस्प्ले भी होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड है तो उसके हिसाब से उसके पूरे डूज एंड डोंट्स भी होंगे। तो इसी वजह से गाइज इसके डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टेज का इशू कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। अब इसी शॉर्टेज की वजह से प्रेडिक्शन यही लगाया जा रहा है कि इसका जो लॉन्च है, जब ये फोन सेल के अवेलेबल होगा, वो अक्टूबर के मंथ तक होगा। अब गाइज मैं दूसरा मेजर रीजन भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले प्लीज, ज्यादातर जो व्यूअर्स है हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो उससे जो ना दोस्तों हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी और ज्यादा नया कंटेंट डालने के लिए। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि देखिए वीडियो की रैंकिंग अच्छी होती है लाइक से, और ऑब्वियसली रैंकिंग अच्छी होगी तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा नए नए कंटेंट्स आपके लिए प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट अस। दूसरा रीजन है गाइस वो इसका पेरिस्कोपिक लेंस है। अब यहां पर कंपनी फर्स्ट टाइम अपने फोन में पेरिस्कोप लेंस प्रोवाइड कर रही है, मतलब काफी टाइम से ऑब्वियसली कंपनी ने टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया था खासतौर से प्रो सीरीज में। इस बार जो है दोस्तों कंपनी वेरिएबल लेंस के साथ में पेरिस्कोपिक लेंस प्रोवाइड करेगी, जो कि काफी जबरदस्त चीज है, और इसमें भी जो है दोस्तों कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग डीले इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है जहां पर कंपनी इस फोन की जो सेलिंग है वो अक्टूबर तक है, मतलब एटलीस्ट वन मंथ का इसमें डीले देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर देखिए मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करूंगा, तो इसमें कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स आने वाले हैं और ऑब्वियसली काफी अच्छे फीचर्स है, और अब तक का सबसे बेस्ट अपग्रेड्स वाला फोन एप्पल की तरफ से माना जा रहा है, और ज्यादातर यूजर्स भी ऑब्वियसली यही चीज बोल रहे हैं, ज्यादातर लीक्स भी इसी तरफ पॉइंट कर रही है कि अब तक का सबसे बेस्ट अपग्रेड्स वाला फोन है ये। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें सारे डिवाइसेस में हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा। अब सारे डिवाइसेस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 14 सीरीज में 48 मेगापिक्सल का जो लेंस है वो सिर्फ प्रो में आया था, प्रो और प्रो मैक्स में आया था, लेकिन 15 सीरीज में भी जो बेस मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस आएंगे ऑब्वियसली वो ऐसे नहीं होंगे जो 14 प्रो और प्रो मैक्स में है, उसमें काफी फर्क होगा, विच मीन्स कि क्वालिटी जो है ना दोस्तों ऑब्वियसली वो 14 प्रो प्रो मैक्स से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी अभी भी जो ना दोस्तों उसकी डल रहेगी। अब ऐसा क्यों है इसके पीछे मैंने पूरा टेक एक्सप्लेन किया हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहां पर मैं आई बटन में लिंक को दे दूंगा, वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जरूर से चेक करना उसको। साथ में गाइस ऑब्वियसली पेरिस्कोपिक लेंस कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ज्यादातर लीक्स ये निकल के आ रही है कि जो ये पेरिस्कोपिक लेंस रहेगा, जो कि वेरिएबल लेंस रहेगा, ये 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। 15 प्रो में तो वही हमें सिंपल टेलीफोटो लेंस मिलेगा जो आज के टाइम पे 14 प्रो और प्रो मैक्स में मिलता है, तो ये जो बड़ा अपग्रेड है ये कंपनी 15 प्रो मैक्स के लिए, मतलब अपने एकदम प्रीमियम टू प्रीमियम मॉडल के लिए रख रही है। और वहीं पर गाइस ये एक वेरिएबल लेंस रहेगा तो ऑब्वियसली फोर्थ लेंस की जरूरत नहीं रहेगी, क्वाड सेटअप की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसी में जो दोस्तों में वेरिएबल जूम देखने को मिलेगा, जो कि आई थिंक 5x या तो फिर 6x तक जो ना वो ऑप्टिकल जूम कर पाएगा, विच इज गुड। साथ ही में एक और चीज में बेस्ट देखने को मिल सकती है, इसके बेजल्स। जी हाँ, मतलब यहाँ पर बेजल्स और भी ज्यादा कम हमें देखने को मिलेंगे खास तौर से आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में, मतलब अगर 14 सीरीज को आप देखोगे तो ऑब्वियसली 14 प्रो और प्रो मैक्स में काफी कम बेजल्स मिलते हैं, लेकिन इसके भी कंपैरिजन में 15 प्रो और प्रो मैक्स में और भी कम बेजल्स मिलेंगे, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है दोस्तों वो और भी ज्यादा हो जाएगा। ये गाइस देखिए वैसे देखने के लिए तो छोटी चीज है, लेकिन जब कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर होता है तो वहां पर पता लगता है कि हाँ भाई कुछ तो भी एक अच्छा अपग्रेड हमें देखने को मिला है। अब ऑब्वियसली काफी सारे फीचर्स और भी है जो उसमें एज एन अपग्रेड हमें देखने को मिल सकते हैं, बट ये चीज हमें याद रखनी है, रिमेंबर मोर फीचर्स कम्स विद मोर प्राइस, मतलब यहाँ पर क्या प्राइसिंग इसकी हो सकती है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल चुका हूँ, जहां पर मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके बताया हूं कि कितनी प्राइस में जो ना दोस्तों में 15 प्रो प्रो मैक्स ये बेस मॉडल सब लॉन्च हो सकता है, तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, आप जरूर से जाकर चेक करना आई बटन में, मैंने प्रॉपरली पूरी प्राइस डिटेल्स अच्छे से बताया हूँ, एंड आई एम 100% श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लिया होगा। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।